वहीं रामचरितमानस विवाद के बीच बीजेपी की तरफ से पटना के हनुमान मंदिर में रामायण पाठ किया जा रहा है। बीजेपी के नेताओं का कहना है कि राजद के नेताओं के शुद्धिकरण के लिए यह रामायण पाठ किया जा रहा है। राजद के नेताओं का जो मानसिक दोष के शिकार हो गए हैं, वोट की राजनीति के लिए सामाजिक विद्वेष फैला रहे हैं, आपसी भाईचारा को खंडित कर रहे हैं, उनके दिमाग का शुद्धिकरण करने के लिए हम लोग सब रामायण का पाठ कर रहे हैं, जिससे उनके सामाजिक विद्वेष के भाव को समाप्त हो, राम सबका कल्याण करे। हमारे पूर्वजों ने, हमारे हिंदुओं के पूर्वजों ने इस सांस्कृतिक धरोहर को, इस हमारे धर्म ग्रंथ को बचाने के लिए कितने त्याग दिए हैं, तपस्या किए हैं, ये सब को राजद के द्वारा खंडित किया जा रहा है सिर्फ वोट की राजनीति के लिए। ये आपस में बैर कराना चाहते हैं, समाज को लड़ाना चाहते हैं। हम जो है ये रामचरितमानस का पाठ करके संदेश देना चाहते हैं कि जिससे उनका दिमागी दोष शुद्ध हो और राम उनका भी कल्याण करे। राम इस समाज के धरोहर हैं, सभी के लिए रामायण हमारा धरोहर है, एक आदर्श है, एक सिद्धांत है, और इस सिद्धांत को जो खंडित करेगा उसका राम जो है उनके बुद्धि को ठीक करे। बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर के रामचरितमानस पर दिए बयान पर अब तक डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव की चुप्पी पर बीजेपी ने सवाल उठाया है। बीजेपी प्रवक्ता राम सागर सिंह ने कहा है कि नफरत फैलाने वाले बयान पर तेजस्वी की मौन सहमति है। उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव को जनता के सामने आकर इस बारे में बताना चाहिए। तेजस्वी यादव ने आपको जनता के बीच आकर के ये बताना ही होगा कि आपके आशीर्वाद से शिक्षा मंत्री बने तथा कथित प्रोफेसर चंद्रशेखर, जो कभी पप्पू यादव यूनिवर्सिटी के राजनीतिक छात्र रहे हैं, जो रामायण के बारे में कहा है कि रामायण जनता के बीच नफरत फैलाती है, उस बात से आप सहमत तो नहीं हैं? क्योंकि मौन को सहमति ही मानी जाती है। आपके जगता बाबू तो उसके साथ खड़े हो गए, क्या आप भी उनके साथ खड़े हैं? क्या लालू यादव जी भी आप उसके साथ खड़े हैं, उस बयान के साथ? ये बिहार की जनता जानना चाहती है, देश की जनता जानना चाहती है। क्योंकि लोहिया के नामों को आप लोग बदनाम न करें, लोहिया जी तो रामायण मेला लगाया करते थे, रामायण का प्रचार प्रसार करते थे, समाज में समरसता को वो मानते थे रामायण को, और आप उसको नफरत का ग्रंथ बता रहे हैं, आपके लोग बता रहे हैं। मौन स्वीकार लक्षणम। तेजस्वी यादव जी, आपको जनता के बीच आकर के ये बताना ही होगा